आज तो पूजा दीदी बड़ी खुश लग रही है। आज तो तनख्वाह की बात करके रहूंगी। हाँ दीदी, आज आप सुबह से लैपटॉप पर काम कर रही हैं और बड़ी खुश लग रही हैं। इतना खुश तो मैंने आपको तब देखा था जब मिसेस तनुजा का पर्स गुम हो गया था। पूरे 1,00,000 रुपए थे उसके अंदर। कितने अजीब तरीके से बात करती थी वो। I use only eco-friendly, non-leather purse. No synthetic material, no silk, no animal skin. I care for everyone. उसी दिन उसके पति के नर्सिंग होम की ओपनिंग थी। याद मत दिला, बड़ा खुशी का दिन था वो। अपने पति के नर्सिंग होम की ओपनिंग के दिन वो खुद अपने पति की पहली पेशेंट लग रही थी। इतना खुश तो मैं अपने बर्थडे के दिन भी नहीं हुई। वैसे आज आप इतने खुश क्यों हैं? तुझे पता है, मैंने ना फ्रेंडो वाली साइट पे अपनी वो एको फ्रेंडली नॉन सिल्क वाली साड़ी की फोटो डाली थी। बड़े सारे लाइक और कमेंट मिले हैं। फिर तो मुझे भी अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए। आप मेरी फोटो पे लाइक करेंगे ना दीदी? जरूर। दीदी, आज की ताजा खबर सुनी आपने? वो 3 मल्ले वाले मिसेस शर्मा है ना, उनकी बेटी वापस आ गई है। क्या हुआ? क्या पता उसका या उसके पति का किसी के साथ चक्कर होगा। वो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मिसेस शर्मा से मिलके उनकी क्लास लूंगी। वो आज शाम को 5 बजे की तरह जाने वाली है। अच्छा, मैं उनसे कंपाउंड में ही मिलूंगी। आज तो मिसेस शर्मा के लिए स्पेशल इवनिंग वॉक के लिए जाऊंगी। अच्छा आइडिया। अच्छा एक बात तो बता, वो 7 माले वाले मिसेस मेहरा का भाई उन्हीं के घर रहता है क्या? दीदी, मैं 2 महीने से उनके घर रोज जाती हूँ दोपहर में काम करने को, और वो घर पे ही रहता है। लगता है उनका दिवाला निकल गया है। कोई अपनी बहन के घर रहता है क्या? है ना। वैसे आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ हेल्दी बना दे, जो तूने वो 4 माले वाली मिसेस पारी के घर बनाया होगा। क्या बात है, आप भी कॉन्शियस? अरे नहीं रे, कॉन्शियस नहीं, मेरी भांजी आ रही है, वो जरा हेल्थ कॉन्शियस है। कई सारी हीरोइनों की जिम इंस्ट्रक्टर है वो। आज तो गॉसिप सुनने में बड़ा मजा आएगा, ये रोज रोज के गॉसिप पेपर के अलावा। रोज तो आप 5 गॉसिप वाले पेपर लाती हैं। चलो ये थोड़ा बोनस। तुझे पता है, दिवाली की छुट्टियों में जब हम गाँव जाते हैं तब मेरी क्या हालत होती है इन गॉसिप के पेपरों के बिना। मिसेस तनुजा जैसी? उससे भी बुरी। तब तो रिश्तेदारों की गॉसिप करके गुजारा करना पड़ता है। तुझे पता है, राहुल के पिताजी की मौसी हैं, वो तो दादी है मेरी, गॉसिप में धुरंधर। दीदी मैं क्या कह रही थी, वो आप मेरी पगार बढ़ाने वाली थी ना अपने महीने में। तो वो जो तूने हमस बनाया था ना, हाँ, उसकी फोटो मैंने फ्रेंडों वाली वेबसाइट पे डाली थी और किट्टी में भी लगी थी। 50 लाइक 10 कमेंट आए हैं। और मिसेस वर्मा कह रही थी कि ऐसी हमस तो उन्होंने दुबई में भी नहीं खाई। अरे वाह, सच्ची 50 लोगों ने चखा? 7 लोगों ने, लेकिन बाकियों ने तो फ्रेंडों वाली वेबसाइट पे लाइक किया है। अच्छा तुम कुछ कह रही थी? नहीं नहीं दीदी, अब मैं चलती हूँ। अगले 2 घंटे मुझे मिसेस मेहरा के भजन सुनते सुनते काम करना है। सच कहूँ तो आपके घर में काम करने को मजा आता है। एक दिन उनकी क्लास लेने भी आऊंगी मैं। श्रद्धा, देखना जरा कौन है। हाँ दीदी मैं देखती हूँ। हेलो मिसेस मेहरा। ओ पूजा जी, आइए। वो ना हमारे घर थोड़ा सा नमकीन कम हो गया है, शाम को मेहमान आने वाले हैं और वक्त थोड़ा सा कम है, सोचा आप ही से ले लूं। आपको देखा था मार्केट जाते हुए और आते हुए भी सामान के साथ। जी वो तो मैं ऑर्फनेज में देने के लिए लाई थी। ओ पर घर में आज ढोकला बनाया है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, आपको चलेगा? जी चलेगा। आपको पता है मिसेस शर्मा की बेटी वापस आ गई है, अभी अभी तो शादी हुई थी उसकी। उसकी एक बार पहले एंगेजमेंट भी टूटी है, जरूर लड़की में ही कोई कमी होगी। पूजा जी मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी मैं तो ऐसे ही कह रही थी, क्योंकि शालिनी तो हमारी बेटी जैसी है, हमारे सामने ही तो बड़ी हुई है, मुझे उसकी चिंता खाई जा रही थी।
आप चिंता ना करें, जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ना है और मुझे लगता है वो बखूबी से और बड़ी हिम्मत से कर रही है। पर ऐसा क्या हुआ होगा? अब पति पत्नी के बीच की बात तो वही समझ सकते हैं ना। हाँ, अगर कोई डाउरी का केस हो या मारपीट का केस हो तो हमें दखलंदाजी करनी चाहिए, वरना मेरे ख्याल से तो दोनों के लिए प्रार्थना ही काफी है। जी जी, प्रार्थना में शक्ति, शक्ति में भक्ति। जी, आपके भाई के लिए भी प्रार्थना कर दूं? आप कहना क्या चाह रही हैं? जी, मैंने सुना है वो आपका भाई दिन रात आप ही के घर रहता है। अब आपको क्या बताऊं, पूरी रात बाहर रहता है। जी, मैंने भी देखा है उसे मेरी खिड़की से रात को बाहर जाते हुए। हमने उसे कितना समझाया, काम नहीं करना चाहता। आपको कैसे पता? इंट्यूशन। मैं कहती हूँ उसे समझाइए, अपनी बहन के घर कोई रहता है भला? अरे ये आप क्या कह रही हैं, बड़ी मुश्किल से समझाया उसे हमने यहाँ हमारे साथ रहने के लिए, वरना वो तो होटल में रहने वाला था। डॉक्टर है यहाँ, 4 महीने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी सुपरवाइज करने आया है। पर आप तो कह रही थी काम नहीं कर रहा। नहीं नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं करना चाहता, उसे लोगों की सेवा करने में बहुत मजा आता है, इसीलिए कम पैसों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, अब तो जो है ना मैं सोसाइटी में सबका मुंह चुप करवा दूंगी। आप चिंता ना करें, जो लोग अपने होते हैं ना वो कभी गॉसिप नहीं करते। और शादी के बाद जितना ये घर पति के परिवार वालों का होता है उतना ही पत्नी के परिवार वालों का, और मुझे तो लगता है कि इज्जत से ज्यादा तो परिवार की देखभाल जरूरी होती है। और हमारे जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमें हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। अगर हाँ मेरा भाई सच में निकम्मा भी होता ना, तो उसके सच्चे दोस्त उसे काम ढूंढने में मदद करते और उसे समझाते, न कि गॉसिप करते या गलत राय देते। आप बैठिए, मैं ढोकला लेकर आती हूँ। सुनो ना, मैं दुकान में फोन करके कुछ मंगवा लूंगी। ढोकले तो शाम तक ठंडे हो जाएंगे ना। ढोकले ठंडे हो जाएंगे, लेकिन आज इन्फॉर्मेशन आपको गर्मा गर्म मिल गई है ना पूजा जी। बड़ा मजाक करती हैं आप। अच्छा, चलती हूँ। ओके। प्लीज सिट। हाय पूजा, कैसी हैं आप? जी ठीक ही हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? जी आजकल कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एक लो वाली फीलिंग है। कुछ दिनों से बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता। आई सी, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके कारण ऐसा हो रहा है। जी मेरे पति की नौकरी चली गई है, पर ये लो वाली फीलिंग उससे भी पहले की है। हाँ, तो जब ये लो वाली फीलिंग नहीं थी तब आप क्या करती थी? जी लाइफ बिल्कुल सेट थी, 3-4 गॉसिप वाले पेपर, दोस्तों के साथ गपशप, और 2-3 घंटे तो यूं ही फ्रेंडों वाली वेबसाइट पर निकल जाते थे। तो अब आप बिल्कुल भी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती? पता नहीं कौन सच्चा दोस्त है कौन नहीं। जब से मेरे पति की नौकरी चली गई है एक डर सा है मन में, ये लोग भी मेरे बारे में गॉसिप करते होंगे ना। पर ये आपका भ्रम भी तो हो सकता है ना। हो सकता है, मगर मेरे पति से भी झगड़े होने लगे हैं। पहले वो मुझे हथेली पर रखते थे। पर ये झगड़े होते क्यों हैं? वो आजकल देर से आने लगे हैं। वो मिसेस वर्मा है ना, उनके पति भी देर से आते थे। फिर हमें पता चला कि उनका किसी के साथ अफेयर है। क्या मेरे पति का भी? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा हो। वो अपने काम की तलाश में भी तो जा सकते हैं ना। और वैसे पूजा, तुमने कभी पूछा उनसे कि वो लेट क्यों आते हैं? नहीं। तो सी पूजा, कम्युनिकेशन इज की टू ऑल रिलेशनशिप्स। आपको उनसे बातचीत करनी चाहिए। आपको पता है बातचीत करने से आप अपनी सारी उलझनों को सुलझा सकती हैं, है ना? मगर मुझे अंदर से कुछ खाए जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप फ्रेंड्स वाली वेबसाइट पर होती थी या अपने दोस्तों के साथ होती थी
तो क्या करती थी? वो गॉसिप, मेरा मतलब है इधर उधर की बातें दोस्तों के साथ। मतलब आपको गॉसिप पसंद है? हाँ, मतलब वो सोसाइटी में आजू बाजू में क्या हो रहा है उसका ध्यान तो रखना पड़ता है ना। लेकिन पूजा, किसी के दुख से तुम्हें खुशी मिले ये तो गलत बात है ना? और सच बताऊं, ये खुशी कुछ देती नहीं है, बस लेकर चली जाती है। खैर, एक काम करते हैं, हम आपकी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगी, आप रेगुलरली करना, और कुछ किताबें दूंगी वो पढ़ना, देन योगा, मेडिटेशन और वॉक पर भी जाना, ओके? और फिर देखना आपको कितनी जल्दी फर्क पड़ता है, ओके? आपको पता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है, थक जाती हूँ। कुछ दिनों से हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है ना, वो भी चली गई है। मैं उसकी तनख्वाह नहीं दे पाई। उसने जाकर सारी सोसाइटी में बता दिया है और यहाँ किसी को आने भी नहीं देती। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, मैं कर नहीं पाती, थक जाती हूँ। मेरी छोटी बहन है ना, वो अपनी हेल्प को भेज देती है, मगर कब तक? आई अंडरस्टैंड, पर आपको हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी ना पूजा। और देखो फिर जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा। Difficulties in problem solving. अच्छा ये पैराग्राफ कर लेना। हाँ माँ, कैसी हो? माँ, मुझे कैसे पता होगा कि टमाटर के भाव इतने बढ़ गए हैं? मैंने पेपर पढ़ना बंद कर दिया है। और कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो राहुल के पापा मुझे बता ही देते हैं, शायद भूल गए होंगे। अच्छा माँ, मैं ना अगले हफ्ते आऊंगी। भूल गई? जिन बच्चों को मैं ट्यूशन देती हूँ उनके एग्जाम्स हैं अगले हफ्ते से, अब वो रोज आते हैं पढ़ने। हाँ माँ। अच्छा माँ, रखती हूँ। ठीक है, चलो अब ठीक है। कल ठीक 10 बजे आ जाना, ये पूरा प्रैक्टिस करके आना और ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके लेके आना, ठीक है? 10 बजे शार्प, भूलना नहीं, ठीक है? एकदम टाइम से आ जाना। अच्छा, ओके ओके। श्रद्धा, तू? दीदी, वो सांप को दफ्तर जाते हुए देखा, वॉचमैन को बोल के गए हैं काम के लिए कोई चाहिए। श्रद्धा, तू मेरे यहाँ 5 साल काम कर चुकी है, मेरे पास काम करेगी? दीदी मुझे माफ कर दीजिए। चल, इस बात पे तेरी दुबई वाली हमस बना दे। अभी लाई। दीदी आपको एक बात बताओ। शर्मा जी की बेटी है ना? चुप। मिसेस शर्मा की बेटी मेरी असिस्टेंट है, मेरे स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस एग्जाम के पेपर्स करेक्ट करती है, बहुत अच्छी बच्ची है। और हाँ, आज से पूजा दीदी है स्टॉप गॉसिपिंग।